नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आज हम आपको राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की वो अनकहानी बताना चाहते हैं जिसे सुनकर आज देश की हर महिला भावुक होगी और उत्साहित भी होगी। असल में उनकी ये कहानी हर उस आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या किसी पैसे वाले घराने में पैदा नहीं हुआ है, जो आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हो। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ओडिशा के मयूरभंज जिले के छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहे। 64 साल की द्रौपदी फिलहाल ओडिशा के एक साधारण से घर में रहती है। 2 मंजिल के इस घर में 6 कमरे हैं और ये घर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं है, बल्कि एक साधारण से रिहायशी इलाके में है, जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। इस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही 190 एकड़ में फैला हुआ है और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू इस घर से दूसरे घर में जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के एक मयूरभंज जिले में हुआ था। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये उनका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का ऐलान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाती है तो वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। इनकी जो उम्र है वो आजाद भारत से कम है। इससे पहले नरेंद्र मोदी साल 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पद पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की, लेकिन निजी जीवन में बार बार उनकी परीक्षा ली। और एक वक्त ऐसा भी था जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात 2009 की है, जब सिर्फ द्रौपदी 25 साल की थी। 25 साल की उम्र में उनके बेटे की असमय मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत से द्रौपदी को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में चली गई, और इसके बाद उन्होंने खुद को हौसला देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। द्रौपदी धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर ही आ रही थी कि 4 साल बाद साल 2013 में सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। ये सिर्फ 4 साल में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यहीं पर नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के बाद उनकी माँ की मौत हुई और कुछ दिन बाद ही भाई का भी देहांत हो गया। और इस तरह एक महीने में ही द्रौपदी ने पहले अपने बेटे को खोया, फिर माँ को और फिर भाई को। और जब तमाम दुखों को पीछे छोड़कर वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तब अगले ही साल यानी कि 2014 में उनके पति का भी देहांत हुआ। यानी धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया। पति की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया, डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और तब तक लड़ी जब तक इसे हरा नहीं दिया। तब जाकर 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत विनम्र स्वभाव की है और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। जिस तरह आज बहुत सारे लोग द्रौपदी के राष्ट्रपति बनने पर हैरानी जता रहे हैं, ठीक इसी तरह की हैरानी उन्होंने तब भी जताई थी जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। असल में द्रौपदी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में आई। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि द्रौपदी एक रबर स्टैम्प राष्ट्रपति बनेंगी, सरकार के कहने पर चलेंगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी कर चुकी है, शिक्षक रह चुकी है, विधायक रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है,
राज्यपाल भी रह चुकी हैं और वो जानती हैं कि क्या सही क्या गलत। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू की अनसुनी कहानियां। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।